राजस्थान में राज्यसभा चुनाव निर्विरोध होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इसी दौरान बीजेपी ने तो अपने दो उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस भी बीजेपी को कहीं टक्कर देने में पीछे नहीं हट रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने सोमवार रात राजस्थान से दो उम्मीदवारों की घोषणा की थी। बीजेपी ने मदन राठौड़ और चुन्नी लाल गरासिया को मैदान में उम्मीदवार बनाकर उतारा है। वहीं कांग्रेस ने भी आज राज्यसभा नामांकन के लिए चार नामों की औपचारिक घोषणा कर दी है। कांग्रेस में राजस्थान से सोनिया गांधी को मैदान में उतारा है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी, बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह और महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडोरे का नाम सामने आया है। राज्यसभा नामांकन के लिए सोनिया गांधी राजस्थान विधानसभा पहुंची। यहां पर उनका प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भव्य स्वागत किया। वहीं इस दौरान राहुल और प्रियंका भी साथ नजर आए। इसी के साथ ही 16 फरवरी को नामांकनों की जांच होगी। वहीं 20 फरवरी को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।